नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। और मतलब कोई भी बंगाली मिठाई जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में जानकारी दूंगी कि इतना स्पंजी रसगुल्ला हमारा कैसा बने, या फिर संदेश इतना अच्छा कैसे बने, या फिर राजभोग इतना अच्छा सा कैसे बने, और रसमलाई इतने अच्छे से हम कैसे हमारी रसोई में एक लिमिटेड रिसोर्सेज से करें। क्योंकि हलवाई जो होता है वो खुले में पकाता है कोई भी चीज़, खुला मतलब कि खुले भगोने, खुली कढ़ाई में, तो हमको ये लगता है कि हम ढक्के क्यों पकाएं, उसके पीछे रीज़न होता है। खुले में जब वो पकाता है कढ़ाई में, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें डालता है कि उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, राजभोग के ऊपर, या फिर हम चमचम बनाते हैं या रसगुल्ला बनाते हैं तो वो कवरिंग से ऊपर और नीचे दोनों तरफ पक जाता है, लेकिन हमको ढक के पकाना पड़ता है। लेकिन हमें पूरे समय नहीं ढकना है। जब मैं वीडियो बता रही हूँ तो आप उसमें देखेंगे कि थोड़ी सी स्लिट खोल रखी है उसमें ढक्कन में, उधर से थोड़ी थोड़ी भाप हमेशा निकलती रहनी चाहिए। और जब 20 मिनट हम कोई भी चीज़ पका रहे हैं तो उसमें करीब दो दो मिनट बाद में आप हल्का हल्का देख सकते हैं, और 5 मिनट बाद में उसको पूरा हटा के उसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। और गर्म पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमको एक तो हाई फ्लेम पे पकाना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कम नहीं करना है, उबलते रहना चाहिए इन सब चीज़ों को, जो भी बंगाली मिठाई हम बना रहे हैं। और जब वो उबल रही हैं, पानी कम पड़ गया और घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही है रसगुल्ले को या रसमलाई को या राजभोग को, तो हमको बिल्कुल साथ में एक गर्म पानी की भगोनी रखनी चाहिए। गर्म पानी की भगोनी से हम गर्म पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, वापस से ढक देंगे और हल्का सा खुला रखेंगे, तब जो हमारी राजभोग, रसमलाई या रसगुल्ला है वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और अधिकतर लोग फुल क्रीम दूध के लिए कहते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ सब चीज़ें वो गाय के दूध की है, और गाय का दूध आज गर्म किया, फिर दूसरे दिन पूरी मलाई हटा दी, और उसके बाद में जो दूध होता है उसकी मैं सब चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घी होता है तो उसमें भी वो ज़्यादा फटने के चांसेस हैं, और उबलते समय पूरा घी बाहर निकल जाता है और उसका शेप अजीब सा हो जाता है। तो अब मैं इसके आगे आपको सारे टिप्स देती हूँ। स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। जैसे पहला टिप है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि फुल क्रीम दूध लो, लेकिन जो मैंने रसगुल्ले बनाए हैं आप ध्यान से देखें कि इसमें बिल्कुल भी घी वगैरह नहीं है, बहुत वाइट बने हैं। तो ये मैंने गाय का दूध लिया है और गर्म करने के बाद में 3-4 घंटे रखने के बाद जो उसकी मलाई हटाई उसके बाद मैंने पनीर बनाया। दूसरी बात, जब हम दूध को उबालते हैं तो उबालने के बाद में गैस बंद कर दी, और बंद करने के बाद में 1 किलो दूध अगर है तो उसमें करीब 1 से 1.5 नींबू का रस लगता है। तो गैस बंद करने के बाद में हम नींबू ऐड करेंगे और हिलाते जाएंगे उसको, और जैसे ही वो पनीर अलग होगा और वे वाटर हरा हरा सा अलग हो जाएगा तब हम नींबू ऐड करना बंद कर देंगे, और जो फटा हुआ दूध है उसको हम छलनी में कपड़ा रखकर, मलमल का कपड़ा रखकर उसमें डाल देंगे। और जैसे ही सारा पानी अलग होके और पनीर अलग हो जाएगा ऊपर, तो हम उसमें ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी इसलिए डालेंगे कि उसकी कुकिंग बंद कर देनी है हमको, नहीं तो जो पनीर है वो कड़क हो जाता है और जो उसकी खटास है वो भी हट जाएगी। उसके बाद में हमको उस कपड़े को स्क्वीज करके और गठान बांध के और गांठ बांध के हम 15 मिनट तक उसको लटका देंगे, हैंग कर देंगे। 15 मिनट से ज़्यादा हमको नहीं उसको लटकाना है, ज़्यादा पानी उसका नहीं निकालना है। उसके बाद जब वो एक पोटली सी निकलेगी पनीर की, तब हम हथेली से उसको 10 मिनट तक रब करेंगे। 10 मिनट मैं यहाँ ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि हर 1-1.5 मिनट बाद में हम थक जाते हैं और कुछ सेकंड का आराम या रेस्ट करते हैं, और अगर आप नहीं थकते हैं तो 5 से 6 मिनट लगातार आप हथेली के द्वारा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का हथेली से प्रेशर देके और उसको इस तरह का बना लेना है कि जब उससे गोली बने तो वो बिना क्रैक की गोली बने। अगर क्रैक है
तो दोबारा उसको मलना पड़ेगा। अब जब हमने गोली बना ली तो हमको उसको चाशनी में डालनी है। चाशनी कैसे बनानी है वो मैंने प्रोसेस इसमें बता दिया है, लेकिन जब चाशनी बहुत अच्छी उबल जाती है तो उबलते हुए में हम उसको हम गोली डालेंगे इसमें, एक एक गोली डालते जाएंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रसगुल्ले हैं और उसमें बुलबुले नहीं आ रहे हैं तो एक सेकेंड रुक जाएं, मतलब पूरा हाई फ्लेम पर उबलते रहना चाहिए। सारी गोलियां ऐड हो गई, अब हम करीब 30 सेकेंड के लिए खुला रखेंगे और उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट का है तो हम उसमें ढक्कन लगाएंगे। आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि मैंने ढक्कन लगाया है लेकिन एक तरफ थोड़ा सा उसमें स्लिट छोड़ दिया, मतलब उसमें से थोड़ी थोड़ी भाप निकलती रहेगी। अधिकतर लोग उसको ढक्के बताते हैं, लेकिन अगर आप पूरा ढक देंगे बिल्कुल भी भाप नहीं निकलेगी तो क्या होगा कि वो थोड़ी देर में फूल तो जाएंगे फिर फट जाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी भाप निकलती रहे। और हर 5 मिनट बाद में आप उसको थोड़ा सा खोल के देख लें कि अगर उसमें पानी कम पड़ रहा है, अगर रसगुल्ले नहीं डूब रहे हैं तो आप एक तरफ 1 लीटर पानी गरम यानी उबलने के लिए चढ़ा दें। फिर वो उबलता हुआ पानी आप वीडियो में देखेंगे कि मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। पानी इसलिए ऐड करना होता है क्योंकि अगर गाढ़ी हो गई चाशनी तो जो रसगुल्ले हैं वो कड़क हो जाएंगे और पिचक भी जाएंगे, तो पानी इसमें डालते जाना है और वो उबलते जाएंगे। वापस से ढक देंगे, वापस से खोलेंगे, वापस से ढक देंगे, इस तरह से 20 मिनट का प्रोसेस है। हमेशा नहीं ढक के रखना है, थोड़ी थोड़ी देर हमको खोलना भी है। जब वो ऊपर आ जाएंगे, हल्के होके पूरा बन जाएंगे, तब हम गैस बंद कर देंगे और एक चम्मच की सहायता से जो रसगुल्ला बन चुका है उसको हम लेंगे और ठंडे पानी, मतलब जो मटकी का पानी है वो हम एक बाउल में डालेंगे और उसमें रसगुल्ला और थोड़ी सी चाशनी वो लेके और हम उसमें पानी में डालते जाएंगे। सारे रसगुल्ले ठंडे पानी में आ गए, अब हमको कुकिंग उसकी बंद कर देनी है, मतलब ओवर कुक नहीं होंगे वो। जब वो पानी में है तो वो अभी मीठे नहीं है, तो जो हमारी चाशनी है उसको फटाफट हम ठंडा कर लेंगे एक तरफ। फिर जब पानी में 2-3 मिनट हो जाए तो वहां से हमको रसगुल्ले निकाल के कांच के या किसी भी बाउल में डाल देने हैं। जो चाशनी ठंडी हो गई है उस चाशनी को हम रसगुल्ले के ऊपर डाल देंगे और अब ये जो रसगुल्ले हैं वो आप आराम से फ्रिज में रखें और बाहर रखें और कैसे भी रखें, और आराम से ये बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले बन जाते हैं। थैंक यू।